अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना उसके मामले की मिली प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ आगा अलीनवाज संगल भाई साहब हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो महशत हमारी गिरकर नीचे आ चुकी है, दुनिया लेवल के हालात ऐसे बन गए हैं, इसमें ना आप वफाक को दोष ठहरा सकते हैं, कसूरवार ठहरा सकते हैं, ना आप सूबे सिंध को कसूरवार ठहरा सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को किस लेवल से संभाला है? ऐसे समझो कि कन्वर्ट नहीं हो चुकी है तो उसका जिम्मेवार जो है वो आसिफ अली जरदारी है। बिल्कुल, मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ और ये बिल्कुल जिनकी भी सोच है बहुत गलत सोच है। आप क्या समझते हैं कि बिलावल साहब वो बेनजीर वाला लक्ष्य, वो बेनजीर वाला अक्स, वो बेनजीर वाला सारा सिस्टम लोगों की उसी उम्मीदों पे क्या बिलावल साहब को सोच सकेगा? वो एक उसकी एक लेगेसी है और वो शहीदों का खून है। बिल्कुल, उसकी तरबियत जो है वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने की है। कल का आज नहीं होता, हर पल भी राज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा, दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता।